दो बहुत ही पहुंचे हुए चोर होते हैं। वो एक दिन तय करते हैं कि आज हम फोकट के पेड़े खाएंगे। सुनो भाई, सोच रहा हूँ कि आज हम सबके सामने पेड़े खाएंगे और वो भी फोकट में। हाँ हाँ, जरूर खाएंगे, चलो। लेकिन कैसे? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही मांगेंगे तो फोकट में पेड़े कोई नहीं देगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कोई पहचान ना सके। ठीक है, मैं एक साफ सुथरी धोती और कुर्ता पहनता हूँ ताकि मैं पंडित लगूं, और तुम सूट बूट पहनना जैसे कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो। मैं पहले जाता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर दोनों चोर अच्छी तरह से तैयार होकर शहर के बाजार में घूमने लगते हैं और एक मिठाई की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चोर दुकानदार से, जी मैं पेड़े खरीदने आया हूँ, कैसे बेच रहे हैं पेड़े? कौन से पेड़े चाहिए आपको? आप मुझे सब पेड़ों के भाव बता दीजिए, फिर मैं सोचता हूँ। दुकानदार सब पेड़ों के भाव चोरों को बता देता है। वो 450 रुपए किलो वाले पेड़े है ना, वो मुझे 1 किलो दे दीजिए। हाँ ठीक है, अभी देता हूँ। दुकानदार उस चोर को 1 किलो पेड़े बांध देता है। आपके दुकान के अंदर थोड़ी जगह होगी तो मैं अंदर बैठकर पेड़े खा सकता हूँ क्या? खाने के बाद पैसे देता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए अंदर। चोर अंदर जाकर पेड़े खाने लगता है, तभी दूसरा चोर सूट बूट पहनकर दुकान के सामने आ जाता है। दुकान के मालिक आप हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या चाहिए आपको? मुझे अच्छे से पेड़े चाहिए, कैसे बेच रहे हैं आप? फिर दुकानदार उसे सब पेड़ों के भाव बता देता है। आप मुझे 400 रुपए किलो वाले 1 किलो पेड़े दीजिए। ठीक है। दुकानदार दूसरे चोर को 1 किलो पेड़े देता है और चोर बिना पैसे दिए निकलने लगता है। अरे भाई, पैसे तो दे दो। अभी तो मैंने आपको पैसे दिए। कब दिए? झूठ मत बोलो, मुझे मेरे 400 रुपए दे दो फिर जाओ यहाँ से। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, जाता हूँ मैं। दुकानदार चोर का हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उस भीड़ में से एक आदमी दुकानदार से पूछता है, अरे क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस आदमी ने अभी मुझसे 1 किलो पेड़े लिए और मुझे पैसे दिए बिना जा रहा है यहाँ से। नहीं नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं, ये दुकानदार झूठ बोल रहा है। अरे दुकान का मालिक झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या ये सूट बूट वाला आदमी झूठ बोल रहा है? तभी अंदर बैठा हुआ चोर रोने लगता है और बीच बीच में पेड़े खाकर रोता रहता है। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो पंडित जी? कुछ नहीं, क्या बताऊं आपको। अरे बताइए क्या हुआ? मैंने देखा कि दुकानदार उस भले आदमी से पैसे मांग रहा है, जबकि उसने पहले ही पेड़ों के पैसे दे दिए। मैंने भी इन पेड़ों के पैसे दिए हैं और यहीं बैठकर खा रहा हूँ। बाहर निकलते ही ये दुकानदार मुझसे भी फिर से पैसे मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा, यही सोच के मुझे रोना आ रहा है। अब आपने कब दिए पैसे पंडित जी? देखो मैंने कहा था ना, ये फिर मुझसे पैसे मांगेगा। अरे दुकानदार, इतना लालच करना अच्छा नहीं, दो भले लोगों को क्यों फंसा? सबको लगता है कि दुकानदार ही झूठ बोल रहा है, सब उसको ताने मारने लगते हैं और दोनों चोर वहां से पेड़े लेकर चुपचाप निकल जाते हैं और मजे से फोकट के पेड़े खाते हैं।